जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है जम के बोलो जरा, कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्त्रोत का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। आन से पहले दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है जो घी का दिया लगाकर पूजन कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सत्ता बढ़ती है